सिंगिंग की बारी है। ओ, मेरा चश्मा किधर गया? सारंगेयो एवरीवन। मैंने कुछ सैवेज लिखा है हमारी बेइज्जती के लिए। सॉन्ग का टाइटल है सैवेज लाइफ। सैवेज लाइफ। हमारे डेप्थ को ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। हम साथ इस शहर में खाली हाथ बड़े बड़े सपने लेकर के आए थे, लेकिन आज हम किसी और का सपना बन गए। लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, चाहे करो या मरो। हम सभी ने आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना देखा, बट लाइफ इज जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर। खुशियाँ आती है और चली भी जाती है, लेकिन चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और आज हम ऊंचाइयों पे हैं। दिस इज कॉल्ड सैवेज लाइफ। वाओ ब्रो, आई लव सैवेज लाइफ। दिल को छू गई इसकी पोयम। सैवेज शुगर इसकी सैवेज पोयम, दोनों बड़े सैवेज हैं। दिस इज कॉल्ड सैवेज लाइफ। जीनो तेरी बारी है। मैंने एकदम भयानक पोयम लिखी है। डैडी जोक्स लिखे तो मुझे नहीं सुनने हैं। भूतों की कहानियां लिखी है क्या तूने? भूतों का नाम मत ले, मुझे रोना आ जाएगा। तुझे पोयम का नाम ही इतना फनी लगा तो पोयम कितनी फनी होगी? पोयम का नाम है फ्रीडम, आजाद पंछी। आगे भी तो पढ़। मैं भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं जवान रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। हम सब एक फैमिली की तरह हैं और हमें लाइफ में जो कुछ भी चाहिए वो हमने पाया है, लेकिन ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। हम सब बुढ़े हो जाएंगे और थक जाएंगे, और हम अपनी पुरानी यादों और डांस को देख के बहुत खुश होंगे। आह, मैं थक गया। बैंक पीड़ित, तुम्हारे डांस मूव बहुत ही मुश्किल होते हैं। थोड़े इजी स्टेप बनाओ और मेरी सैलरी बढ़ा दो। मेरे मेकअप के ब्रांड थोड़े महंगे हो गए हैं। सैलरी तो मुझे भी बढ़वानी है, वरना मैं मेंशन पे बैठ जाऊंगा। पोएम के लास्ट में तू पैसे और डांस की बात करने लगा। वैसे बात तो एकदम सच कही है। बैंक पीड़ी, हमारा पैसा बढ़वाओ वरना हम मर जाएंगे। लाइफ में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कैश और ऐश। बैंक पीड़ी से पंगा लिया तो वो तो तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। एक बार निकाल के तो देखे, मैं उसके पैर पकड़ के उसे कुएं में फेंक दूंगा। बैंक पीड़ी आज यहाँ है नहीं, वरना तो आज तेरी नौकरी जाती। इस महीने का मैंने किराया भी नहीं भरा है। ए बैंक पीड़ी, मेरी सैलरी बढ़ा वरना मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने तो दूध का बिल भी नहीं भरा। तुम सब पोएम में क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? आर्मी को एक्सप्लेन तो करो। मैं तो सोने के बारे में बता रहा था, बड़ा ही महंगा हो गया है। तुम सब अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए सोना खरीद लो। मैं क्या सोने से कम हूँ? तू सोना थोड़ी है, तू तो हीरा है हीरा। मैं अपनी पोएम में बस ये कहना चाहता था, हाउ टू लव योरसेल्फ, ओनली लव योरसेल्फ। व्हाई आर वी स्टिल हियर? जिमिन, तू छोटा हीरा है और सब बड़े हीरे हैं, और तू कोहिनूर का हीरा है। मैंने इस पोएम में ये बताने की कोशिश की है कि बैंक पीड़ी मेरी सैलरी बढ़ा दो, वरना मैं ये जॉब छोड़ के आर्मी में चला जाऊंगा, और मुझ जैसा वर्ल्ड वाइड हैंडसम इस दुनिया में आपको दूसरा मिलेगा भी नहीं। मेरी भी सैलरी बढ़ाओ। बैंक पीड़ी ने कहा 200 रुपए सैलरी बढ़ा देंगे। मैंने अपने पोयम में सबको फूल बना के फूल बनाने की कोशिश की है। मैं कमल का फूल और मैं सूरजमुखी का सारंगेयो, और मैं तुझे किस एंगल से चंपा का फूल लगता हूँ। मैं अपनी पोयम में सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम साथ 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 हैं। थैंक यू गाइस मेरे फ्रेंड्स बनने के लिए। शुगर जी, मैंने अपनी पोयम में सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमने लाइफ में कितना स्ट्रगल और हार्ड वर्क किया है, और अपनी सारी प्रॉब्लम को यू नो सैवेज तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। दिस इज कॉल्ड सैवेज लाइफ। अब मैं क्या बोलूं? कुछ भी बोलो। आपको BTS की तरफ से सादर प्रणाम हमारे लीडर जी। पोयम लिखते हुए मुझे BTS की जर्नी याद आ रही थी कि पास्ट में हम सब ने कितना स्ट्रगल और हार्ड वर्क किया है, जिसका हमें फल भी मिला है। इस चीज से मुझे ये रियलाइज होता है कि हार्ड वर्क मेक अ मैन परफेक्ट। तालियां बजाओ भाई, तू भी बजा। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। आमी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हैं। सही बात है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको किस मेंबर का लेटर सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना। रेडी स्टेडी गो। हाँ, मेरी टांगे, मैं तो चला घर। जिंदगी भर की शॉपिंग एक ही दिन में कर लो, पूरा मॉल खरीदोगे क्या? भंडारे जितना सामान खरीद तो रहे हो, लेकिन इसे बनाएगा कौन? हमारा खानदानी बाबची शुगा बनाएगा। युंगी के लिए संतरे ले लेते हैं, उसे बहुत पसंद है। संतरा छोड़, स्ट्रॉबेरी लेते हैं। मुझे आइसक्रीम चाहिए। जा इधर जाके ले ले। आइसक्रीम ले रहे दोनों, पिघल गयी तो? ओ मॉल वाले भैया, जरा डिस्काउंट विस्काउंट लगा दो, हम BTS है। नमकीन भुजिए का पैकेट लो या चटपटे भुजिए का? तीखा भी चलेगा। चलो छोड़ो, यही लेता हूँ। अरे ये सड़े हुए कीड़े मकोड़े कौन खरीद रहा है? कितनी बदबू आ रही है, इसे बनाएगा कौन? कुकी, चल तेरी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट खरीदते हैं। तुझे मेरी गर्लफ्रेंड से क्या मतलब? मैं तुम सबके लिए सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। बहुत महंगा है ये। इन सब चीज का पैसा कितना लग जाएगा? भैया ये सारी कॉफी कप कितने की है? सर 1.5 लाख की। सब पैक कर दो भैया, चॉकलेट दिला दो। फिर से कहाँ मर गया? नामजिन ये देख, मुरमुरे का पैकेट दे मुझे। कुछ भी कचरा उठा के लेके आ रहा है, पैसे के पेड़ पे उगते हैं। माफ का माल समझ रखा है, कितनी ट्रॉलियां भर लिए तुमने। हमारे मैनेजर भोलू प्रसाद ने कहा था वो 10 किलो से ज्यादा के पैसे नहीं भरेगा। मेरा बनाना मिल्क कोई नहीं हटाएगा। भाई 10 किलो से ज्यादा हो गए, इसके पैसे कौन देगा? मेरा बनाना मिल्क कहाँ है? अरे और सामान डाल, और डाल। 9 किलो हो गए, रुक जाओ, अब और कोई सामान नहीं डालेगा। 10 किलो से ज्यादा के मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें खुद पैसे देने पड़ेंगे। फालतू का सामान निकाल दो। कुछ फालतू नहीं है, सारा सामान निकाल देंगे तो खाएंगे क्या? मेरा बनाना मिल्क है, बनाना बनाना। ये कटोरिया हटा देते, पैकेट में खा लेंगे। मैंने बनाना मिल्क हटा दिया, 9 किलो हो गए, थोड़ा और सामान डाल। ये मुरमुरे का पैकेट देना, ये 100 ग्राम का होगा। ये डाल दी 100 ग्राम की आइसक्रीम और ये हो गया 10 किलो। Thank you.
तू नूडल्स के साथ अंडे खाएगा या चिकन? अब मेरे बालों का घोंसला बनाना बंद कर। तुम दोनों खेल रहे हो यहाँ पे, खाना कब बनेगा? आमिर लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया। झूठ मत बोल, जला हुआ खाना दिया तो था। अब जैसा खाना बनाना आएगा वैसे खिलाएंगे ना तुझे। तू कहीं का महाराजा नहीं है जो तेरे लिए दावतें बनाए हम। तुझे कुछ पूछना है क्या? ये क्या है? लाल मिर्च पाउडर। ये ढक्कन लगा दिया, अब 10 मिनट में मैगी पक जाएगी। कितने लोगों का खाना है ये? 100 लोगों का। मैं सारे चावल की कटोरी लेके जा रहा हूँ, तुम मैगी लेके आ जाइयो। अकेला मत खा जाइयो। ढक करने लगा। माय नेम इज चंगुक, इंटरनेशनल प्लेबॉय। जेमिन हॉबी। मैं सारे चावल ले आया हूँ, मुझे इसमें से 2 कटोरी चाहिए चावल के। एक ही कटोरी मिलेगी। आंखों में धुआं चला गया। मम्मी मैगी बन गई, टेस्ट कर लेता हूँ। मसालेदार नहीं बने और लाल मिर्च डालनी पड़ेगी। कौन भौंक रहा है? मैं डर गया। ऐसा लाजवाब खाना बनाए कि तुम लोग उंगलियां भी खा जाओगे। मुझे ही पतीला रखने के लिए जगह दो, वरना किसी के सर पे रख दूंगा। कृपया करके सभी अपना ऑर्डर दें। कैमरामैन वाले भैया आप भी ऑर्डर दो, चिकन टंगड़ी के साथ एक नान रोटी। हॉबी मेरी कटोरी में भी कुछ डाल दे। फायर, फायर।